प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज अपन कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोग के लिए, कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के हिंदी कंपलसरी में भी है और कंपटीशन एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उसके लिए भी उपयोगी रहेगा। तो आज की क्लास है कार्यालय पत्र को लेकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो स्नातक स्तर में प्रथम वर्ष के हिंदी अनिवार्य में भी काम आएंगे और आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हो तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक एक कर अपन प्रश्न को समझेंगे और चार चार विकल्प मैंने दे रखे हैं। आजकल वर्तमान में ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न कार्यालय पत्र शीर्षक से पूछे जाते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं, उसी तरीके से मैंने क्वेश्चन तैयार किए। तो प्रश्न मैंने इस तरीके से लिए कि एक प्रश्न के साथ आपको पूरी व्याख्या उनकी समझ में आ जाएगी। तो एक एक प्रश्न आप आराम से पढ़िएगा और उसमें आप आंसर जो है वो नोट करते जाइएगा। पहला प्रश्न देखिए कार्यालय पत्र के अंतर्गत कि अर्ध सरकारी पत्रों के संबंध में असत्य कथन बताइए। देखिए प्रश्न मैंने ऐसे बनाया है कि एक प्रश्न के साथ साथ बहुत सारी बातें आपके तैयार हो जाए, थोड़ा सा बड़ा सोचते हुए बातों को समझने की कोशिश करना। प्रश्न ये कह रहा है कि अर्ध सरकारी पत्रों के संबंध में असत्य कथन, आपको इस शब्द पे विशेष तौर पे ध्यान देना। कभी भी किसी भी प्रश्न में जहाँ भी सत्य और असत्य शब्द लिखे होते हैं पहले आप उनको हाईलाइट कर दो ताकि आपको ध्यान रहे कि इसमें पूछा क्या जाए। किस प्रकार के पत्रों के संदर्भ में? अर्ध सरकारी। आप ध्यान रखना, अगर आपने पहले एक वीडियो नहीं देखा कार्यालय पत्र वाला तो देख लें, क्योंकि कल मैंने कार्यालय पत्र वाला चैप्टर पूरा वो पूरी थ्योरी उसकी विस्तार पूर्वक आपको पढ़ा रखी है और आज अपन जो देख रहे हैं वो उसी थ्योरी पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की श्रृंखला देख रहे हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है कि अर्ध सरकारी पत्रों के संबंध में असत्य कथन बताइए, मतलब कौन सी बात गलत है। अब जो चार विकल्प हैं इसमें से तीन बातें तो अर्ध सरकारी पत्र के संदर्भ में आपको सही मिलेगी और एक कोई बात लिखी हुई क्या है, गलत। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको कम से कम अर्ध सरकारी पत्र के संदर्भ में चार बातें याद हो जाए। तीन तो सही है ही है और एक गलत है, वो मैं आपको सही बता दूंगा। तो अर्ध सरकारी पत्र के संदर्भ में चार कंटेंट, चार तथ्य आपको याद हो जाएंगे। देखिए पहला क्या कह रहा है, अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक होते हैं। मैंने कल आपको समझा दिया था कि औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। तो ये क्या कह रहा है कि अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक, जहाँ अपने निकटतम रिश्ता या खून का रिश्ता होता है, जैसे मैं कह दूँ कि अपने सगे संबंधियों को है, अपने भाई बहन को है, माता पिता को है, मित्रों को है, इनको जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें कौन सा पुट रहता है, अनौपचारिक का, और बाकी कौन सा रहता है, औपचारिक का। ये कह रहा है अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक होते हैं। दूसरा विकल्प कह रहा है अर्ध सरकारी पत्र उच्च अधिकारियों को नहीं लिखे जाते हैं। जहाँ भी ऐसी बातें आती हैं वहाँ खासतौर पर आप ध्यान देंगे, अर्ध सरकारी पत्र समकक्ष और अधीनस्थों को नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र किसी खास विषय की ओर ध्यान आकर्षण करने हेतु लिखे जाते हैं। ये चार विकल्प हैं, आप अपना उत्तर पहले सोच लीजिएगा कि इस चार में से आपका आंसर क्या होगा। अब ध्यान से एक एक बात सुनिए। तो अर्ध सरकारी पत्रों में अनौपचारिकता का पुट रहता है क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र में आत्मीयता का भाव निश्चित रूप से झलकता है। तो आत्मीयता होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि किस प्रकार के पत्र होते हैं, अनौपचारिक श्रेणी के पत्र। अर्ध सरकारी पत्र उच्च अधिकारियों को नहीं लिखे जाते हैं तो ये भी बात बिल्कुल ठीक क्या कही जा रही है क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र उच्च अधिकारियों को नहीं लिखे जाते हैं। अब खासतौर पर ध्यान रखना, अर्ध सरकारी पत्र या तो अपने समकक्षों को लिखे जाते हैं या अपने अधीनस्थों को लिखे जाते हैं। अधीनस्थ यानी अपने से नीचे के, समकक्ष यानी अपने बराबर पद वाला, लेकिन उच्च अधिकारियों को नहीं लिखे जाते हैं। तो पहली बात भी सही कह रहा है कि अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक होते हैं, बिल्कुल ठीक बात। दूसरा कह रहा है कि अर्ध सरकारी पत्र उच्च अधिकारियों को नहीं लिखे जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि उच्च अधिकारियों को नहीं लिखे जाएंगे। तीसरी बात, अर्ध सरकारी पत्र किसी खास विषय की ओर ध्यान आकर्षण करने हेतु लिखे जाते हैं, तो ये भी ठीक कह रहा है। अब आप एक विकल्प इसमें देखिएगा कि अर्ध सरकारी पत्र समकक्ष अधीनस्थ को नहीं लिखे जाते, जबकि अर्ध सरकारी पत्र अपने अधीनस्थ या समकक्ष को ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो नहीं कह रहा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य पूछा है। तो तीसरा जो बिंदु लिखा है वो आपके लिए क्या है, असत्य है। ठीक है, समझ में आ गया। तीन बातें कौन सी याद रखनी, एक बार फिर याद रखिएगा, अर्ध सरकारी पत्र के संदर्भ में ये पत्र औपचारिक होते हैं, पहली बात। इन पत्र, ये पत्र उच्च अधिकारियों को नहीं लिखे जाते हैं। दूसरी बात, अर्ध सरकारी पत्र किसी खास विषय की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु लिखे जाते हैं। तीन बातें ये ध्यान रखनी। चौथी आपको याद रखना है कि अर्ध सरकारी पत्र समकक्ष एवं अधीनस्थ अधिकारियों को लिखे जाते हैं।
जबकि ये ना कह रहा, इसका मतलब ये कथन अपना क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आपको पहले में आंसर क्या देना है, सी। ठीक है, तो अर्ध सरकारी पत्र के संदर्भ में ये चार बातें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा प्रश्न है विज्ञप्ति के संदर्भ में, क्योंकि कार्यालय पत्र में अर्ध सरकारी पत्र विज्ञप्ति है, ज्ञापन है, है ना, कार्यालय ज्ञापन है, अधिसूचना है, निविदा है, परिपत्र है, अनुस्मारक पत्र है, ये सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में दे रखी है। तो इन सभी शीर्षकों से जुड़े मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल किए हैं। दूसरा प्रश्न कर कह रहा है किसके संदर्भ में बात कर रहा है, विज्ञप्ति के संदर्भ में, कि विज्ञप्ति के संबंध में यहाँ पर भी क्या बताना है, असत्य बताना है। आपको भी परीक्षाओं में ज़्यादातर असत्य वाले ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये तय होता है कि उसमें आपको चारों बातें पता है तभी आप सही उत्तर दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। तो विज्ञप्ति के संबंध में आपको क्या बताना है, असत्य कथन। पहला क्या कह रहा है, विज्ञप्ति में कार्यालय का नाम और पता सबसे ऊपर लिखा जाता है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन समय पूर्व नहीं किया जाता है। तीसरा, विज्ञप्ति में नीचे दाईं ओर विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारियों का पदनाम लिखा जाता है। चौथी बात, विज्ञप्ति में दिनांक का उल्लेख नहीं किया जाता है। अब अपना उत्तर सोच लें कि चार में से क्या होगा। अब सुनिएगा कि विज्ञप्ति के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन सी गलत है। तो विज्ञप्ति में कार्यालय का नाम और पता सबसे ऊपर यानी शीर्ष पर रखा जाता है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो ये बात सही है। दूसरा, विज्ञप्ति का प्रकाशन समय पूर्व नहीं किया जाता, नहीं पे ध्यान देना। तो विज्ञप्ति कभी भी समय से पहले जारी नहीं होती, विज्ञप्ति जारी करने का निश्चित समय होता है, वो उस निश्चित समय पे ही होती है, उससे पहले कभी भी प्रकाशित नहीं होती, तो ये बात भी सही कह रहा है। विज्ञप्ति में नीचे दाईं ओर विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम, इस बात पे ध्यान देना कि पद नाम लिखा जाना, केवल अधिकारी के पोस्ट क्या किस पद पर है ये लिखा जाता है, अधिकारी का नाम नहीं लिखा जाता, तो ये बात भी ठीक कह रहा है। चौथा विकल्प कह रहा है कि विज्ञप्ति में दिनांक का उल्लेख नहीं किया जाता है, यहाँ गड़बड़ हो गई है, है ना, विज्ञप्ति में दिनांक का उल्लेख किया जाता है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखें, प्रकाशन समय पूर्व नहीं होता, इसका मतलब भी विज्ञप्ति जारी करने के दिनांक का उल्लेख निश्चित रूप से होता है, जबकि ये क्या कह रहा है, नहीं होता है, तो असत्य बात कौन सी हो जाएगी, दे। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, द। तो आपको याद रहेगा कि विज्ञप्ति में कार्यालय का नाम जो होता है वो सबसे शीर्ष पर ऊपर होता है, विज्ञप्ति कभी भी समय से पहले प्रकाशित नहीं होती, और विज्ञप्ति में नीचे दाईं तरफ क्या होता है कि विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी के पद का नाम होता है, और विज्ञप्ति के अंदर दिनांक का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये बातें हो गई विज्ञप्ति के संदर्भ में, तो आंसर आप कर देंगे डी। अगला देखिएगा, तीसरा प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न अर्ध सरकारी पत्र के संदर्भ में देखा, दूसरा विज्ञप्ति के संदर्भ में देखा, तीसरा प्रश्न आ रहा है निविदा के टॉपिक से। निविदाएं कितने प्रकार की होती है, सीधा सीधा तथ्यात्मक प्रश्न पूछा गया है कि निविदा के प्रकार कितने होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 7 होते हैं। तो निविदा के जो प्रकार हैं वो निविदा कितने प्रकार की होती है, तो निविदा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कल भी अपन ने इस पर बात की थी, 2 कौन कौन से होते हैं, तो आप समझ लीजिएगा निविदा के 2 प्रकार कौन से होते हैं। एक को तो हम कहते हैं सीमित निविदा, सीमित निविदा, ठीक है, और दूसरी जो होती है उसे हम कहते हैं खुली निविदा, खुली निविदा। ये 2 प्रकार की क्या होती है, निविदा होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे निविदा कितने प्रकार की होती है, निविदाएं 2 प्रकार की होती है, पहली सीमित निविदा और दूसरी खुली निविदा। तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं, अगला चौथा क्वेश्चन, केंद्र सरकार की निविदाएं किसकी ओर से जारी की जाती है, ना, इस पे आप ध्यान देंगे कि केंद्र सरकार भी निविदा जारी करता है और राज्य सरकार भी निविदा जारी करता है, यानी निविदाओं में होता क्या है, तो ये सारी बातें मैं कल विस्तार से आपको कल के वीडियो में समझा चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो इससे पहले कार्यालय पत्र का वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा। केंद्र सरकार की निविदाएं किसकी ओर से जारी की जाती है, राज्यपाल की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से, सचिव की ओर से या राष्ट्रपति की ओर से। ध्यान रहे, राज्य सरकार भी निविदाएं जारी करता है और केंद्र सरकार भी निविदाएं जारी करता है। अब राज्य सरकार किस ओर से जारी करेगा और केंद्र सरकार किस ओर से जारी करेगा, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केंद्र सरकार, जल्दबाजी में आपने राज्यपाल कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसे प्रश्नों में आपको चारों विकल्प पढ़ने हैं, एक लाइन पढ़ते ही पहला आंसर टिक नहीं लगाना है।
तो केंद्र सरकार की जो निविदाएं हैं वो किसकी ओर से जारी, तो केंद्र में सर्वेसर्वा कौन होता है, राष्ट्रपति, और राज्य में कौन होते हैं, राज्यपाल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति की ओर से। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार की निविदाएं किसकी ओर से जारी की जाती है, तो राष्ट्रपति की ओर से जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पत्र जिसके माध्यम से कोई सूचना या निर्देश एक साथ अनेक कार्यालयों, विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको अगर परिभाषाएं पता है तो एक बात लिखी हुई है कि वह पत्र जिसके माध्यम से कोई सूचना निर्देश, है ना, ये निर्देश है, सूचना निर्देश एक साथ, बस आप इस शब्द को पकड़ेंगे, एक साथ अनेक कार्यालयों, विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजा जाता है, है ना। मतलब ऐसा कौन सा पत्र है जिसमें कोई निर्देश हो या आदेश हो वो एक साथ, है ना, किसी अधिकारी या विभागों को भेजा जाएगा, तो उसको अपन परिपत्र कहेंगे, उसे अपन अधिसूचना कहेंगे, उसे अपन विज्ञप्ति कहेंगे, या अपन उसे अर्ध सरकारी पत्र कहेंगे। तो बताइए चार में से क्या होगा, तो आप अपना उत्तर सोच लीजिएगा कि इसमें आंसर क्या होगा। तो आप ये बात अच्छे से ध्यान रखना कि एक साथ अनेक अधिकारियों या विभागों को जो बात भेजी जाती है उसी को अपन क्या कहते हैं, उसे परिपत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिपत्र। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन फिर परिपत्र के संदर्भ में ही आ रहा है, परिपत्र के संबंध में असत्य कथन बताइए। ठीक है, फिर से आप इस शब्द पर ध्यान देंगे, परिपत्र के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। अब जिस व्यक्ति को परिपत्र के बारे में सारी जानकारी है वही व्यक्ति यहाँ पर सही उत्तर दे सकता है। पहला विकल्प पढ़िएगा, परिपत्र में भवदीय का प्रयोग नहीं होता है, परिपत्र का उद्देश्य कर्मचारियों को सूचना देना होता है, परिपत्र का प्रयोग मंत्रालय कार्यालय तक ही सीमित, मंत्रालय या कार्यालय, है ना, ये बीच में आप पब्लिक करना, मंत्रालय या कार्यालय तक ही सीमित होता है, और परिपत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। ठीक, अब आप इसमें आंसर क्या देंगे, तो देखिए परिपत्र जो होता है उसमें भवदीय का प्रयोग नहीं होता है, ये एकदम ठीक बात कही जा रही है, परिपत्र में कभी भी भवदीय नहीं लिखा जाता। परिपत्र का उद्देश्य कर्मचारियों को सूचना देना होता है, तो ये भी सही बात है। परिपत्र का मूल उद्देश्य जो है वो मूल उद्देश्य क्या होता है कि कर्मचारियों को सूचना देना, सूचित करना। परिपत्र का प्रयोग मंत्रालय या कार्यालय तक ही सीमित होता है, तो परिपत्र की जो भूमिका है वो उस कार्यालय तक ही सीमित रहेगी, कार्यालय से बाहर परिपत्र की कोई भूमिका नहीं रहती है, उसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो सूचनाएँ भेजनी है वो कार्यालय या मंत्रालय तक ही भेजनी है, उससे बाहर वो सूचनाएँ नहीं भेजी जाती। परिपत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसमें आपका उत्तर क्या होगा, डी। क्यों असत्य होगा, क्योंकि ये उत्तम पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता है, बल्कि कौन सी शैली में लिखा जाता है, तो परिपत्र जो होते हैं वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। आपको क्या याद रखना है, अन्य पुरुष शैली, परिपत्र उत्तम पुरुष में न लिखकर कौन से पुरुष में लिखा जाता है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। आपने सर्वनाम पढ़े होंगे, सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो परिपत्र जो लिखे जाएंगे वो किस में लिखे जाएंगे, अन्य पुरुष शैली में लिखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ऐसे हर एक प्रश्न के साथ आपको कितनी कितनी बातें याद हो जाएगी, चार चार बातें याद हो जाएगी, है ना। सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश, ये बातें ध्यान देना। सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचनाएं। अब ये इससे संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो किस में प्रकाशित होती है, या जो सूचनाओं का प्रकाशन होता है वो किस में, विज्ञप्ति में, अधिसूचना में, परिपत्र में या निविदा में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, तो आपको यहाँ पे अपना एक उत्तर देना है, तो आप बताइए। सरकारी नियम, पहली बात ध्यान रखना, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश, इससे संबंधित जो सूचनाएं प्रकाशित होती हैं उस सूचनाओं को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अधिसूचना कहते हैं, है ना, तो विज्ञप्ति है, न परिपत्र है, न निविदा है। इसका आंसर क्या होगा, अधिसूचना होगा। तो ध्यान रखना कि अधिसूचना में किन बातों का प्रकाशन होता है, तो सरकारी नियमों का, आदेशों का, चेतावनी, नियुक्ति और अवकाश से संबंधित सूचनाएँ जो छपती हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, तो उन्हीं को अधिसूचना कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, निविदा के संबंध में असत्य कथन बताइए। फिर सत्य असत्य वाली बात आ गई, निविदा के संदर्भ में क्या बताना है, असत्य कथन बताना। निविदा का संबंध केवल सरकारी कार्यालय से होता है, पहला विकल्प। दूसरा क्या कह रहा है, निविदा में जमा कराने की तिथि
एवं निविदा में जमा कराने की तिथि एवं समय का उल्लेख किया जाता है। निविदा में सबसे नीचे दाईं ओर निविदा जारी करने वाले अधिकारी के पद का नाम एवं हस्ताक्षर होते हैं। राज्य सरकार के कार्यालयों द्वारा जारी निविदा राज्यपाल की ओर से जारी की जाती है। बिल्कुल बात ठीक है। अभी अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था कि केंद्र सरकार की ओर से जो निविदाएं जारी होती है वो किस ओर से होती है, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में कौन होता है, राज्यपाल। तो ये बात एकदम ठीक कह रहा है। दूसरा, निविदा में सबसे नीचे दाईं ओर निविदा जारी करने वाले अधिकारी के पद का नाम, ये बात ध्यान रखना, पद का नाम एवं हस्ताक्षर होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। निविदा में जमा कराने की तिथि और समय, तो निश्चित रूप से निविदा में तिथि और समय के का उल्लेख किया जाता है। तो ये तीन बातें तो सत्य हैं। असत्य कौन सा हुआ कि निविदा का संबंध केवल सरकारी कार्यालय, यहाँ गलत हो गया, केवल लिख दिया। तो निविदा का संबंध केवल सरकारी कार्यालय से नहीं होता, सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं से निविदाएं जारी की जा सकती है। जबकि ये क्या कह रहा है, केवल सरकारी, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, निविदाएं सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों कार्यालयों से जारी की जाती है। निविदाएं राज्य सरकार की ओर से चाहे सरकारी करे चाहे गैर सरकारी करे, किसे, राज्यपाल की ओर से। और निविदा जो भी जारी करेगा उसमें नीचे अधिकारी के पद का नाम और क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। और निविदा जमा कराने की तिथि एवं समय का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। ठीक, तो ये सारी जानकारी किसके संदर्भ में हो जाएगी, निविदा के संदर्भ। अगला क्वेश्चन, पूर्व में प्रेषित पत्र, प्रेषित पत्र का स्मरण, स्मरण यानी याद दिलाने के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाता है। ये आपने हिंदी में एक वाक्यांश में भी पढ़ा होगा, है ना, एक चैप्टर है आपके हिंदी अनिवार्य में, एक वाक्यांश, उसमें भी ये लाइन पढ़ी होगी कि पूर्व में लिखे गए पत्र का अपन को निश्चित समय में जवाब नहीं मिलता है तो उस पत्र की याद दिलाने के लिए अपन दूसरा पत्र लिखते हैं। तो दूसरी बार लिखे गए पत्र को हम क्या कहते हैं, क्या उसे निमंत्रण पत्र कहते हैं, क्या उसे परिपत्र कहते हैं, क्या उसे अनुस्मारक कहते हैं, या उसे ज्ञापन कहते हैं। तो जैसे स्मरण लिख ही दिया है प्रश्न में, स्मरण का मतलब याद दिलाना, और अनुस्मारक, अनु लगा दिया मतलब पीछे वाले पत्र की याद दिलाना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे पत्र को हम क्या कहते हैं, अनुस्मारक पत्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है कार्यालय पत्रों से, कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए, है ना, अच्छा क्वेश्चन है कि भाषा कैसी हो कार्यालय पत्रों की, क्या सरल भाषा में लिखे जाते हैं, क्या अनौपचारिक भाषा में लिखे जाते हैं, क्या मुहावरेदार भाषा में लिखे जाते हैं, या क्या बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता विकल्प सीधा सा, क्योंकि बोलचाल की भाषा में कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में इस भाषा का, बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। मुहावरेदार शैली का भी प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ शब्दों को आकर्षक नहीं बनाना होता है, जो भी बात लिखी जाती है उसमें मूल भावनाओं को समझना होता है। और सरल भाषा, बिल्कुल सरल भाषा भी कार्यालय में प्रयोग में नहीं की जाती है ना, क्योंकि कार्यालय में जितने भी लोग बैठे हैं सब बुद्धिजीवी।